रिश्ते हमेशा हमसे बनते हैं। मैं किसी रिश्ते को नहीं बनाता। वक्त पर बात करना और वक्त निकाल कर बात करने में बहुत फर्क होता है। लक्ष्य के आधे रास्ते से कभी वापस ना लौटें, क्योंकि वापस जाने पर भी आधा रास्ता पार करना पड़ता है। इंसान गैरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली बेइज्जती कभी नहीं भूलता। जिन लोगों ने तुम्हें अपना बनाकर छोड़ दिया, उन लोगों को धन्यवाद दो, क्योंकि उन्हीं लोगों ने तुम्हें एहसास दिलाया है कि हर अपनी दिखने वाली चीज अपनी नहीं होती। रिश्ते कम बनाइए, लेकिन उन्हें दिल से निभाइए। अक्सर लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो देते हैं। जरूरी नहीं किसी की बद्दुआ ही आपको तबाह करें, किसी का सब्र भी आपको बर्बाद कर सकता है। कुछ रिश्ते जिस हाल में हैं, उन्हें उसी हाल में छोड़ देना बेहतर है। कभी कभी उन्हें ज्यादा संभालने में खुद ही बिखरने लगते हैं। अच्छे रिश्ते को वादे और शर्तों की जरूरत नहीं होती, बस दो खूबसूरत लोग चाहिए, एक निभा सके और दूसरा उसको समझ सके। जिंदगी में कुछ खोना पड़े तो यह दो लाइन याद रखना, जो खोया उसका गम नहीं, पर जो पाया है वह किसी से कम नहीं। जो नहीं है वह एक ख्वाब है, और जो है वो लाजवाब है। एक बात बिल्कुल सच है कि नए लोगों के साथ चाहे हम कितने भी खुश हो लें, लेकिन जब वह दिल दुखाते हैं तो याद पुराने ही आते हैं। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र खो देते हैं। दिल डरता है अब शिकायत करने से, क्योंकि लोग गलती सुधारने की जगह छोड़ना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। जिंदगी कम नहीं है थिएटर से, आदमी रोज का तमाशा है। लोगों के चेहरे पर मत जाना, चेहरे से बड़ा कोई नकाब नहीं होता। यारियां ही रह जाती है मुनाफा बनके, मोहब्बत के सौदों में नुकसान बहुत है। मुझे आजकल उस पत्थर की तलाश है जो लोग अक्सर दिल पर रखकर किसी को भूल जाते हैं। शहर के हर शख्स ने अपनी वसीयत में सराफत पाई है, हैरान हूं मैं सोचकर, फिर बेईमानी कहां से आई है। कत्ल हुआ हमारा इस तरह किस्तों में, कभी खंजर बदल गए तो कभी कातिल बदल गए। कुछ ही है ऐसे जो अपनी आंखों से देखते हैं और अपने दिल से महसूस करते हैं। बड़े महंगे किरदार हैं जिंदगी में जनाब, वक्त वक्त पर सबके भाव बढ़ जाते हैं। जो आपकी जिंदगी में कील बनकर बार बार चुभे, उसे एक बार हथौड़ी बनकर ठोक देना चाहिए। जिंदगी मानो एक साइकिल की तरह होती है, बैलेंस बनाए रखने के लिए लगातार चलना पड़ेगा। दौलत तो विरासत में मिल ही जाती है, लेकिन पहचान खुद बनानी पड़ती है। जो लोग दर्द को समझते हैं, वह कभी दर्द का सबब नहीं बनते। जिंदगी में यह मायने नहीं रखता कि आपने जिंदगी को कितना जिया, बल्कि मायने यह रखता है कि आप जिंदगी में कितना खुश रहें। लोग आईना कभी भी ना देखते अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देता। अगर कभी अपनी दौलत देखनी हो तो बैंक बैलेंस या तिजोरी की तरफ मत देखो, अपनी आंख से एक आंसू गिरा कर देखो कि कितने लोग इसे पूछने के लिए आते हैं। खाने में कोई जहर घोल दे तो एक बार उसका इलाज है, लेकिन कान में कोई जहर घोल दे तो उसका कोई इलाज नहीं। तू छोड़ दे कोशिशें इंसानों को पहचानने की, यहां जरूरतों के हिसाब से सब बदलते नकाब है। अपने गुनाहों पर 100 पर्दे डालकर हर शख्स कहता है जमाना बड़ा खराब है। जिंदगी कैसी अजीब हो गई है, खुश दिखना खुश होने से ज्यादा जरूरी हो गया है। मैंने हंस कर भी देख लिया और रो कर भी देख लिया, किसी को पाकर और खोकर भी देख लिया। जिंदगी वही जी सकता है जिसने अकेले जीना सीख लिया है। छोटी छोटी चीजें बहुत दुख देती है। आप पर्वत पर तो बैठ सकते हैं, लेकिन सुई पर नहीं। अच्छे इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों से पहचाने जाते हैं, क्योंकि अच्छी बातें तो बुरे लोग भी कर देते हैं। कुछ लोग दिल के इतने खूबसूरत होते हैं कि चाहे वह ना मिले, पर उम्र भर उनको चाहने को दिल करता है। समय के साथ हालात बदल जाते हैं, इसलिए बदलाव में स्वयं को बदल लेना ही बुद्धिमानी है। यूं असर डाला है, मतलब परस्ती ने दुनिया पर, कि हाल भी पूछो तो लोग समझते हैं कोई काम होगा।
जब दर्द सहने की आदत हो जाती है ना, तो आंसू आना खुद ही बंद हो जाते हैं। कर्मों का बही खाता भी दुरुस्त रखिए, एक दिन इसका भी मार्च आएगा, लेकिन फिर अप्रैल नहीं आएगा। जिंदगी मिलना नसीब पर निर्भर है, मौत आना वक्त पर निर्भर है, लेकिन मौत के बाद भी लोगों के दिलों में याद रहना, यह हमारे कर्मों पर निर्भर है। भलाई करते रहिए, बहते पानी की तरह बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी, कचरे की तरह। तुम अपनी आंखों में कुछ तो ख्वाब बचा कर रखो, कल कोई तुम्हारी आंखों में झांके तो जिंदगी पाए। दोपहर तक बिक गया बाजार का हर एक झूठ, और मैं एक सच लेकर शाम तक बैठा रहा। टूट जाता है गरीबी में वो हर रिश्ता जो खास होता है, और बन जाते हैं सब रिश्तेदार जब पैसा आदमी के पास होता है। सफल होने के बाद भी आप खुद को उस व्यक्ति से बड़ा ना समझे जिसके हाथों को पकड़कर आपने सफलता की सीढ़ी चढ़ी है। जो औरत अपनी जिंदगी में खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करती है, अक्सर उसी की फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। रिश्ता ऐसा हो जो हमें अपना मान सके, हमारे हर दुख को जान सके। चल रहे हो अगर तेज बारिश में भी पानी से अलग, मेरे आंसू पहचान सके। रोज रात को सुलझा कर सिरहाने रखते हैं जिंदगी को, रोज सुबह न जाने कैसे उलझी मिलती है जिंदगी। कल की फिक्र मत करो, जिस रब ने आज तक संभाल कर रखा है वो कल भी संभाल लेगा। जीभ और शब्द सबके पास होते हैं, मगर जो अपने लिए जीते हैं वो कह लेते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वो सह लेते हैं। किसी के छोड़ जाने पर चिंता ना करें, गलत लोगों को जाना पड़ता है ताकि सही लोग आ सके। उस मोड़ पर भी खड़ा कर देती है ये जिंदगी, जहां चाहत तो होती है मरने की, लेकिन मजबूरी होती है जीने की। हालात ऐसे भी आते हैं जिंदगी में, सिर्फ चुप रहकर मुस्कुराना पड़ता है। डिग्री रद्दी के भाव बिक जाती है जब जिंदगी इंटरव्यू लेना शुरू करती है। अब तो हर एक अदाकार से डर लगता है, मुझको दुश्मन से नहीं अपने यार से डर लगता है। रुका हुआ है सफर में, मगर हौसला परवान पर है। अभी उड़ा नहीं है परिंदा, मगर नजर आसमान पर है। परमात्मा के सिवाय कोई भी हमें सच्चा प्यार नहीं करता, बाकी सब रिश्ते केवल लेन देन पर निर्भर करते हैं। समय के साथ हर इंसान को इस बात का एहसास हो जाता है कि केवल परमात्मा का प्यार अंत तक हमारा साथ देता है, चाहे हम उसे प्यार करें या नहीं। जहर के असरदार होने से कुछ नहीं होता, खुदा भी बेताब होना चाहिए आपसे मिलने के लिए। इस जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता, हम सोचते हैं कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, पर वक्त आने पर वो भी हमारा नहीं होता है। छल कपट पाप का फल इसी धरती पर भुगतना पड़ता है। याद रखना, समय किसी को क्षमा नहीं करता। तजुर्बे और समझदारी उम्र के मोहताज नहीं, कम उम्र में भी जिंदगी बड़े सबक सिखा देती है। मेरी नाकामयाबी से तोलते हैं वो मुझे, देखना मेरी कामयाबी पर ये तराजू छोटे पड़ जाएंगे। हक अगर मांगने पर ना मिले तो छीन लो, झुको मत, झुकाना सीख लो। उन दूरियों से, उन लोगों से दूरियां ही ठीक है जिन्होंने नजदीकियों की कभी कद्र ही नहीं की। रो लेना, पर रोते हुए पूरा दिन मत निकाल लेना, क्योंकि गिरकर उठना, उठकर आगे बढ़ना ही जीवन है। कितना ही तुम फेस वॉश लगा लो, बॉडी वॉश लगा लो या हैंड वॉश लगा लो, जब तक ब्रेन वॉश नहीं करोगे तब तक सारी चमक अधूरी और व्यर्थ है। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं, उसे कितना भी मिल जाए वो सदैव दुखी ही रहेगा। भरोसा उस पर करो जो आपके अंदर तीन बातें जान सके, मुस्कुराहट के पीछे दुख, गुस्से के पीछे छिपा प्यार, और चुप रहने के पीछे की वजह है। क्रोध की अवस्था में ब्रह्म जन्म लेता है, ब्रह्म बुद्धि को नष्ट कर देती है, बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है।